हाय एवरीवन, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। और अभी टाइम हो रहा है लाइक 12 बज रहा है, तो आज थोड़ा लेट से ब्लॉग स्टार्ट हुआ है। मैं इट्स ओके, और मैं फ्रेश हो गई हूँ, नहा वाली हूँ, सब हो गया है काम, बस खाना बाकी है। और वेदर देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है, हल्का ठंडा है बट धूप निकल गया है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ खाना खाने, और चंदा शामी खाना खा चुकी है, सो मैं और बस मम्मी बाकी है। तो मम्मी बना रही है यहाँ पे रोटी, वेट आई शो यू। तो ये खाना में आज बना है सब्जी कद्दू का, और इसमें है दाल ना, इसमें है दाल और रोटी और चावल। चावल बना था तो चंदा चांदी खा ली, वही दोनों के लिए बना था, हम लोग रोटी खाएंगे। तो यहाँ पे रोटी अभी बन रहा है, तो आई एम गोइंग टू हैव। सो गाइज, मेरा खाना लग चुका है, देख सकते हैं। यहाँ पे है दाल विथ सम घी, इम्पॉर्टेंट है, अच्छा लगता है। और यह सब्ज़ी, यह है थोड़ा सा अचार और रोटी। सो गाइज, अभी हो गई है शाम लाइक 6 बज रहा है, आप देख सकते हैं, मुझे लगा 5:30 हो रहा है। तो अभी तो फ़िलहाल मैं आ रही हूँ किचन में, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा स्पेशल डिश बनेगा, सबको पसंद है इसीलिए। तो आई शो यू, अगर आप चाहें तो आप बना सकते हैं। और आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए, अभी तो फ़िलहाल मैं बना रही हूँ पुआ। पुआ लाइक जो भी इंग्रेडिएंट अवेलेबल है उससे मैं बना रही हूँ, बाकी मैं रेसिपी शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ, अगर आपको बनाना है तो आप बना सकते हैं। तो ये है सूजी, जिसको मैं दूध में फूलने के लिए डाल दी थी लाइक 1 घंटा पहले, तो अच्छे से फूल गया है। और इसमें जाएगा 2 केला। और ये है मैदा, जिसको मैं अच्छे से 4 ली हूँ, यू नो, क्योंकि थोड़ा बहुत कुछ कुछ रहता है इसमें, तो इसीलिए ताकि अच्छे से ये हो जाए, क्लीन हो जाए। तो ये हो गया, तो अब मैं इसको डालूँगी। पहले मैं इसको ना अच्छे से मैश कर लूँगी, इसको केला को। तो इसमें जाएगा 2 केला, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा टेस्ट आ जाता है केला का, तो मैं 2 ही डालूँगी। और इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, इसीलिए पहले मम्मी बनाती थी लेकिन मैं सीख गई हूँ तो अब मैं ही बना लेती हूँ। और मम्मी यहाँ पे सब्जी का तैयारी कर रही है चश्मा लगा के। चश्मा क्यों लगाई मम्मी? तो अभी तो फ़िलहाल मैं इसको अच्छे से मैश करूँगी। इसको कुछ कुछ लोग इसको खाते हैं, केला डाल के पुआ बनाते हैं, कुछ नहीं बनाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, इससे फ्लफी भी होता है। तो इसको तो मैं अच्छे से पहले मैश करूँगी। सो गाइज, हमारा जो ये केला है अच्छे से मिक्स हो चुका है, देख सकते हैं। अब इसमें जाएगा ये मैदा, और इसमें अब जाएगा दूध, उसी से इसको ये किया जाएगा, क्या बोलते हैं, इसका बैटर बनाया जाएगा पुआ का। तो पहले थोड़ा थोड़ा दूध डालना होता है, अचानक से ज़्यादा नहीं, नहीं तो फिर ये गीला हो जाता है। हमारा जो बैटर है पुआ का वो रेडी हो चुका है, देख सकते हैं। इसमें एक दो चीज़ और डलाएगा, लाइक इसमें डलाएगा थोड़ा सा इलायची का पाउडर, अगर आपको अच्छा टेस्ट लगता है तो आप डाल सकते हैं। और इसमें आप नारियल जो होता है ना ड्राई वाला, वो भी घिस के डाल सकते हैं, लेकिन अभी वो नहीं है तो मैं इसी से ही बस बना रही हूँ। और इसमें जाएगा चीनी, चीनी आपको जितना मीठा खाना है उसके हिसाब से आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसको खोल दो मम्मी, और मम्मी यहाँ पे छिल रही है प्याज और लहसुन ये के लिए, क्या हुआ? तो मम्मी को आँख में लग गया प्याज छीलने टाइम, जो रोना आता है वो। मम्मी कितना डालें इसकी चीनी? पूरा डालो। हाँ, सारा डाल दें। और इसको डाल के आपको मिक्स करना है, और इसको 10 मिनट तक छोड़ देना है। और ये बैटर जब मैं ये कर रही थी मैदा, तो बहुत अच्छे से इसको मतलब ये की हूँ ताकि सॉफ्ट हो जाए। और इसको 10 मिनट छोड़ने के बाद ना सब चीज़ अच्छे से मिक्स हो जाता है, और चीनी वगैरह भी गल जाता है, और बैटर कुछ इस तरीके का होगा, देख सकते हैं आप। ज़्यादा पतला भी नहीं और ज़्यादा मोटा भी नहीं। बिना बर्तन तो पता नहीं लगेगा प्याज। प्याज दिए तो इसी में रखते। अच्छा रुको, दूसरा देते हैं। इसमें डाल उसको, गिर गया शायद। हाँ, मैं गिरा।
तो गाइज हमारा जो बैटर है रेडी हो गया है, बस थोड़ा देर के बाद हम लोग इसे छानेंगे। ओके फाइन। सो गाइज यहाँ पे मम्मी छील रही है मटर, क्योंकि आज बनेगा मटर और मशरूम का सब्जी। इसका भी रेसिपी मैं शेयर करूँगी आप लोग के साथ। तो गाइज अभी मैं जा रही हूँ पुआ छानने, और देख सकते हैं इसका चीनी वगैरह सब अच्छे से मिक्स हो गया है। चीनी डालने के बाद हल्का सा पतला हो जाता है शायद बैटर, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा रनिंग लग रहा है। तो ये हो गया है, अब मैं जा रही हूँ इसको छानने। आप घी में भी छान सकते हैं इसको, या फिर रिफाइंड में भी छान सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल है किसी में भी छान सकते हैं। को कढ़ाई को पहले गर्म कर देना है, और फिर डाल देना आपको घी या रिफाइंड। सो गाइस देख सकते हैं हमारा जो पुआ है वो रेडी हो चुका है। तो इसी तरीके से आपको छानने, मम्मी इसको निकालो ना। अच्छा कोई बात नहीं, निकालो। तो आपका जब कढ़ाई और तेल बहुत अच्छे से गर्म हो जाए तब आपको डालना है। मैं एक दिखाती हूँ आपको डाल के। तो इस तरीके से आपको लेना है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं और छोटा भी नहीं, मीडियम साइज। जा गिर गया। इस तरीके से आपको एक ही जगह डालना है, और फिर ये धीरे धीरे ना खुद ही से ऊपर आ जाएगा, फूल जाएगा। लो निकालो। सो देख सकते हैं हमारा पुआ रेडी है। हाँ कम किया हुआ है, और आपको ना स्टार्टिंग में कम रखना है आज, और उसके बाद फिर तेज करना, नहीं तो जल जाएगा आपका पुआ। पुआ फूल गया। केला डालने से अच्छे बैटर थोड़ा देर ये करके तैयार करके रखने से यही होता है कि आपका पुआ बहुत अच्छा बनता है। हटाना एक मिनट। सो देख सकते हैं इतना तो बन गया है, और अभी पूरा छानना बाकी है। सो गाइज हमारा ऑलमोस्ट सारा पुआ छना चुका है, और मैं इसमें से खा भी चुकी हूँ, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है। अभी आइए चंदा चांदनी तो वो दोनों खा के बताएगी। और ये है मशरूम, तो आज बनेगा मशरूम, खा लो मशरूम और मटर का सब्जी। तो वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि आजकल ना मशरूम मिल रहा है और मटर भी, मतलब ये जो हरा वाला मटर होता है ना वो ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो ये भी बहुत अच्छे से अवेलेबल है मार्केट में, तो इसलिए मैं बना रही हूँ। तो अगर आप लोग को मन करेगा तो आप लोग भी बना सकते हैं, देख के काफ़ी टेस्टी लगता है। तो इसको मैं जा रही हूँ धोने। पहले मैं इसको कट करूँगी, उसके बाद धोऊँगी। तो गाइज़ हमारा जो मशरूम है वो कट चुका है, मैं इसको काट दी हूँ इस तरीके से, मतलब चार पार्ट में। ज़्यादा छोटा छोटा मैं नहीं रखी हूँ, क्योंकि ये तुरंत पक जाता है इसीलिए, तो फिर ये गल जाएगा। तो इसको मैं अच्छे से वॉश कर ली हूँ। अब इसको मैं थोड़ा सा गर्म पानी में एक मिनट के लिए बॉयल करूँगी, ताकि इसमें जितने भी गंदगी है वो अच्छे से निकल जाए। गाइज हमारा जो मशरूम है वो अच्छे से बॉयल हो चुका है, देख सकते हैं। तो अब मैं गैस को बंद कर दूँगी और इसको निकाल लूँगी इसमें से, गर्म पानी में से, नहीं तो बहुत ज़्यादा गल जाएगा। गाइज ऑलमोस्ट सब चीज़ रेडी मैं कर ली हूँ। लाइक मैं प्याज काटी हूँ अपने हिसाब से, आप यहाँ पे प्याज काट सकते हैं। ये पांच बड़ा प्याज है, नहीं उतना काफ़ी है। और ये टमाटर, एक मैं टमाटर इसमें ऐसे चॉप करके डाल रही हूँ, और एक मैं इसका पेस्ट बनाऊँगी। तो पेस्ट में आपको चाहिए होगा ये टमाटर एक, और थोड़ा सा काजू, और धनिया का, सॉरी मिर्ची, हरा मिर्च और लहसुन, और थोड़ा सा क्रीम है मैं डालूँगी, तो इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है, क्रीमीनेस। तो इसको मैं बनाऊँगी प्रेशर कुकर में। प्रेशर कुकर में ज़्यादा अच्छे से बनता है, तो पहले आपको इसको गर्म कर लेना है अच्छे से। ये है मटर, मटर बेसिकली आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। ये होगा ऑलमोस्ट आधा केजी, आधा केजी से ऊपर ही होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है क्वांटिटी, तो इतना इनफ है। मम्मी कितना होगा ये? आधा केजी से थोड़ा ज़्यादा होगा ये। तो सरसों का तेल आप अपने हिसाब से अगर डाल सकते हैं, और इसको भी थोड़ा गर्म होने दीजिए। मेरा तेल गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा जीरा, और आप इसमें तेज़पत्ता गर्म मसाला डाल सकते हैं, खड़ा गर्म मसाला, लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ, यहाँ नहीं अच्छा लगता है सबको इसीलिए। और इसमें जाएगा थोड़ा सा मिर्ची, तीन चार मिर्च चाहिए कटा हुआ। इसका फोरन अच्छे से ब्राउन हो जाए तो आपको डालना है प्याज।
तो प्याज इस तरीके से आपको काटना है और सब कुछ डाल देना है। तो प्याज को आपको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। सो गाइस देख सकते हैं हमारा जो प्याज है वो ब्राउन हो चुका है। तो अब इसमें जाएगा लहसुन और मिर्ची का पेस्ट। और इसमें जाएगा टमाटर जो काट के रखा हुआ है वो। तो चंदा चंदा जा रही है पुआ खाने, खा के बताओ कैसा बना। कोचिंग गई थी ये दोनों एक्चुअली। जब इन लोग को कुछ नहीं बना रहता है तो बहुत भूख लगता है, अदरवाइज इन लोग कुछ बना के दे दो ना तो नहीं खाती है। चलो अच्छा है। तो मीठा ज्यादा हो गया, मीठा पहले कम था मम्मी ना, थोड़ा चीनी डाल दी। अच्छा है। अब इसमें जाएगा सारे मसाले प्लस ये भी जाएगा। इसमें है टमाटर, काजू और जो क्रीम था वो उसका पेस्ट। तो इसको भी मैं अभी ही डाल देती हूँ, बहुत अच्छा ये आता है जब ये फ्राई हो जाता है तब। और इससे ना ग्रेवी भी बहुत ज़्यादा थिक बनती है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, क्रीमी क्रीमी। आपको इसको अच्छे से चलाते रहना है। और अब इसमें जाएगा सारे मसाले, आई विल शो यू क्या क्या डलाएगा। तो सबसे पहले तो जाएगा नमक, तो नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और इसमें जाएगा हल्दी पाउडर थोड़ा सा, आप अपने हिसाब से यहाँ पे डाल सकते हैं। मैं 2 स्पून डाल रही हूँ क्योंकि मटर वगैरह काफ़ी ज़्यादा है इसीलिए। और इसमें जाएगा 1 चम्मच धनिया पाउडर। और अब इसमें जाएगा थोड़ा सा, थोड़ा नहीं मतलब हिसाब से 2 स्पून मैं डाल रही हूँ यहाँ पे जीरा और गोल की जो होता है ना काली मिर्च उसका पाउडर, मतलब 2.5, इतना इनफ है। और सारी चीज़ को आपको अच्छे से मिक्स करना है और इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए और इसको फ्राई होने दीजिए जब तक कि जो तेल है ना वो सेपरेट ना हो जाए सारे मसाले में। और इसको आप मीडियम आँच पे भी फ्राई कर सकते हैं, नहीं तो कभी कभी तेज भी कर सकते हैं, लेकिन आपको चलाते रहना है नहीं तो फिर ये सड़ जाएगा तो टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो आपको इसी तरीके से 2 से 3 मिनट तक आपको फ्राई कर लेना है मसाला, 1 मिनट। और गाइज ये जो मिक्सी में कुछ कुछ पार्ट लगा हुआ रहता है ना वो जो मैं पीसी थी, तो आप उसको थोड़ा थोड़ा धो के इसमें डाल सकते हैं जब ये सटने लगे तब। और एक चीज़ मैं डालना भूल गई थी, लाइक ये है चिकन मसाला, आप चिकन मसाला डाल सकते हैं नहीं तो मीट मसाला डाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो हमारा जो मसाला है वो फ्राई हो रहा है और इस तरीके से आपको नीचे से चला के रखते हैं। तो आप देख सकते हैं ग्रेवी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बना नहीं है अभी तो फ्राई हो रहा, तो थोड़ा देर और ये 1 मिनट और फ्राई होगा। फ्राई करने के बाद हमारा जो ऑयल है वो सेपरेट हो चुका है, देख सकते हैं आप साइड साइड में। तो हमारा ये जो मसाला है वो अच्छे से फ्राई हो चुका है, आपको ज़्यादा भी फ्राई नहीं करना है, 2 से 3 मिनट एनफ है। तो आप देख सकते हैं सारा तेल सेपरेट हो चुका है। तो गाइस अब इसमें जाएगा हमारा मटर, सारा मटर आपको डाल देना है और मशरूम भी डाल देना है आपको इसी टाइम दोनों साथ में। आपको इसको अच्छे से चला लेना है ताकि सकते हैं हमारा दोनों काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है लस्सी खाने के बाद क्या होता है अभी। तो गाइज़ ये डालने के बाद आपको मटर और मशरूम डालने के बाद मसाला को एटलीस्ट आपको 1 मिनट तक सब साथ में फ्राई करना है, एकदम लो फ्लेम पे कीजिएगा। शिट रहा ये, हाँ लो फ्लेम पे आपको करना है ताकि अंदर से सटे नहीं, बस 1 मिनट एनफ है और आपको चलाते रहना है। गाइज हमारा जो सब्ज़ी अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब इसमें जाएगा पानी ग्रेवी के लिए, आपको कितना खाना है उसके हिसाब से आप डाल सकते हैं यहाँ पे। और ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि प्रेशर कुकर में ना जो ग्रेवी होता है बिल्कुल मतलब सूखता नहीं है, जितना पानी डालिएगा उतना ही रहेगा, तो अपने हिसाब से डाल सकते हैं, लाइक जितना ग्रेवी आपको चाहिए एग्जैक्टली आपको उतना ही डालना है। और मुझे इतना ही ग्रेवी चाहिए तो मैं इतना ही रख रही हूँ, देख सकते हैं ना ज़्यादा पतला ना मोटा। और बस आपको सीटी लगाना है, 1 सीटी मम्मी, 1 सीटी बहुत है ना, 1 सीटी आपको लगाना है हाई फ्लेम पे। तो
सो गाइज, एक सीटी आपको लगाना है हाई फ्लेम पे, क्योंकि मशरूम भी मशरूम को भी पकने के लिए ज़्यादा नहीं चाहिए और मटर भी ऑलरेडी कच्चा, मतलब कच्चा मटर बहुत जल्दी पक जाता है, इसीलिए तो एक सीटी बहुत होगा, हाई फ्लेम पे एक सीटी आपको लगा देना है। सो गाइज, हमारा जो सब्ज़ी है वो रेडी हो चुका है, देख सकते हैं। वेट आई विल शो यू, सब चीज़ बहुत अच्छे से पक चुका है। सो एज यू कैन सी, और अभी इसमें जाएगा धनिया का पत्ता, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो उसमें रख के धनिया का पत्ता डालो। किसमें? अच्छा, और इसको मिक्स कर देना है आपको। रेडी है, आप देख सकते हैं। अभी थोड़ा सा ना मैं टेस्ट करवाने के लिए लेके जा रही हूँ चंदा चांदी को कि कैसा बना है, देखते हैं हम लोग क्या बोलती है। और इसको ना मैं ढक देती हूँ ताकि जो धनिया पत्ता ऐड हुआ है ना उसका टेस्ट बढ़ जाए। चांदनी लो, टेस्ट करके बताओ कैसा है। देखना बहुत गर्म है, और ये सब पढ़ाई कर रही है, लोग का बोर्ड है, सो मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। चलो खा के बताओ। देखना गर्म होगा, अच्छे से खाना आराम से। ये जला, जला। नमक उमक भी बता देना। आराम से नमक। सो देख सकते हैं इसका नौटंकी कितना ज्यादा कर रही है। ये क्या बता, अच्छा है, नमक सही है ना? ठंडा होगा तो और मस्त लगेगा, चावल में खाया जाएगा। उसको भी खिला दो, राइस बनाना जी, राइस। ठीक है, उसको भी खिला दो। चलो तुमका मटन मिलेगा। सो गाइज, दैट्स ऑल, आज का ब्लॉग यहीं पे एंड होता है। आई होप कि आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर आया तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और रेसिपी ट्राई करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।